दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की, ओपिनियन की, व्यू पॉइंट की। तो दोस्तों, ये अभिप्राय वर्ड हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कभी पॉजिटिव अभिप्राय देते हैं तो कभी नेगेटिव, कभी व्यक्ति के लिए तो कभी वस्तु के लिए, कभी रिश्तों के लिए तो कभी व्यवहार के लिए। तो दोस्तों, ये अभिप्राय यानी कि ओपिनियन क्या है, कैसे फॉर्म होता है, क्या अभिप्राय रखना या प्रदर्शित करना ठीक है, चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। अभिप्राय कैसे बनते हैं, क्या अभिप्रायों से ही हम अपने भाव के लिए बीज बोते हैं, अगले भाव के लिए, अगले जन्मों के लिए क्या पूछना चाहते हो? हम कई बार ऐसा होता है, बैठे बैठे बहुत सारे अभिप्राय बनते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। दादा की किताब में पढ़ा था कि हमारे जो पहले हमने विचार किए थे, पहले जो हमने अभिप्राय बांधे थे, उसका ये जन्म में हमें फल मिल रहा है। तो आज जो अभिप्राय बांधते हैं वो कैसे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, तो उनको प्रतिक्रमण कैसे करें उनका, क्या इसी से हमारा अगला भव भी निश्चित किया जाता है? हाँ, चलिए, अभिप्राय यानी क्या कि आप आम खाते हो तो मीठा लगा तो बुद्धि क्या बताती, मजा आ गई, बहुत अच्छा है, खाने जैसा है। वहां अभिप्राय हो जाता है, किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ शब्द बोले, इंसल्ट कर दिया, अपमान, तो हमारी बुद्धि क्या बताती है, ये आदमी बेवकूफ है, मेरे साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, एक मुझे बहुत अपमान करता है। तो ये नेगेटिव अभिप्राय दे देते हैं, बुरा आदमी है। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, हो मेरा भला करता है, कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा, तो अच्छा अभिप्राय दे देते हैं। यानी कोई भी व्यवहार होने के बाद उसके ऊपर मंतव्य दे देते हैं कि ये ऐसा ही है, पर एक बार भला आदमी है वो कभी बुरा भी हो जाते हैं। क्योंकि देखो ना, बिजनेस में है या रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन में, जब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, 25,000-50,000 दे दिए, तो वही 2 साल के बाद पैसा नहीं देता है तो वही बुरा लगता है। तो बुरा अच्छा आदमी कभी बुरा हो सकता है, तो बुरा वाला कभी अच्छा भी हो सकता है। तो हम अभिप्राय यानी क्या, हमेशा के लिए ऐसा ही है वो मान्यता, उसको अभिप्राय बोला जाता है। पर आदमी कर्मों के उदय में परिवर्तन होते ही रहता है। हम जो मानते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही करेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हम, एक आदमी हमारे घर में आया और पर्स में से कुछ पैसे निकाल लिए, 200 रुपये, तो हम, हमारी दृष्टि में ये पैसा कुछ निकालता है तो हमें उसके लिए अभिप्राय हो जाता है, चोर आ गए हैं। और बाद में दूसरी बार कभी भी देखा उसको तो भीतर में प्रिजुडिस पूर्वग्रह हो जाता है कि ये चोर आदमी, इसको संभालो, ध्यान दो, चोरी करेगा। तो अभिप्राय सर्टिफिकेट देते ही रहते हैं हम, किसी ने कुछ अच्छा किया, बुरा किया। अभी अच्छा बुरा हमारी दृष्टि से है, पर वो तो कर्म का डिस्चार्ज, कर्म उसका है, वो फल देता है। पर हम, ऐसा होता हमारी दृष्टि में हम बुद्धि ओपिनियन दे देती है कि बुरा है, ये अच्छा है, काम का है, निकम्मा है, और वही बंधन का अभिप्राय से नेक्स्ट लाइफ का माइंड जन्म होता है, दूसरी लाइफ का मन जन्म होता है। अभिप्राय से मन का जन्म हो जाता है, और बाद में अभी हमें इच्छा नहीं तो भी बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, वो पिछले अभिप्राय का परिणाम है। तभी नया अभिप्राय नहीं देने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये बात समझनी चाहिए कि भीतर में वो शुद्धात्मा है, चोरी की क्रिया जो दिखती है वो डिस्चार्ज कर्म है, उसके भाव में पश्चाताप भी हो सकता है। तो आज वो खुद भाव में पश्चाताप करता है, खुद चोरी के भाव में नहीं है, पश्चाताप के भाव में है। तो हम जो पश्चाताप कर रहा है उसे हम चोर कैसे बोल सकते हैं, हम भीतर की समझ नहीं सकते बात, मगर हमें भी कभी गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, भीतर में पश्चाताप होता है कि नहीं? तो सामने वाला भी गलत काम करता होगा तो भीतर में पश्चाताप हो भी सकता है। तो हमारी दृष्टि ये रखनी चाहिए, शुद्धात्मा शुद्ध स्वरूप है और भीतर में उसको पश्चाताप भाव भी हो सकता है, बाहर की क्रिया के ऊपर हम अभिप्राय नहीं देना चाहिए। ये तो दूसरों की बात हुई, कभी कभी ऐसा होता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि हम खुद के लिए अभिप्राय बांध लेते हैं। हाँ। कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता,
ये भी तो अभिप्राय बांधना ही हुआ कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती। होता वो तो एक्सपेक्ट अपेक्षा है, मगर अभिप्राय क्या, मैं जब मेरा मैं कुछ गलत नहीं चला लेती है, मैं तो स्ट्रांग स्वभाव की हूँ, वो अभिप्राय बांध देते हैं। मेरी मनमानी नहीं हो गई तो मैं तो तोड़ फोड़ कर दूंगी, मेरा गुस्से वाला स्वभाव है, ऐसे खुद के लिए अभिप्राय बांधे। मैं काम में बहुत निकम्मी हूँ, कभी काम ही नहीं कर सकती, सक्सेस होती ही नहीं मेरे से, ऐसे खुद के लिए अभिप्राय बांध देते हैं। नेगेटिव अभिप्राय भी बांधते हैं, पॉजिटिव अभिप्राय भी बांधते हैं, मगर खुद अभिप्राय से मुक्त कभी हो जाएगा? दो प्रकार है, बुरे अभिप्राय को उसके सामने एक बार नेगेटिव अभिप्राय आके मेरे से काम नहीं हो पाएगा तो वापस बोलने का, नहीं नहीं काम कर, नहीं दादा भगवान मुझे शक्ति दो काम कर सकूंगी कर, तो 5-10 बार बोल दिया तो बुरा अभिप्राय नेगेटिव अभिप्राय टूट जाता है। यहाँ तो दूसरी जागृति ये है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अभिप्राय ये सब संजोग चलाते, मैं करता हूँ ही नहीं, तो फिर नहीं हो जाएगा या हो जाएगा, उसमें अभिप्राय देने की जरूरत ही क्या है? यानी विज्ञान की दृष्टि से अभिप्राय टूट सकते हैं, या तो जागृति ऐसे लगा दी कि ये आदमी अनफिट है, तो कहने बहुत अच्छा है, बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी, 10-20 बार बोल दिया तो नेगेटिव अभिप्राय को वाइंडिंग हुआ था वो अनवाइंडिंग हो जाएगा, वो निकल जाएगा। मगर एक ही बात जरूर समझना चाहिए कि दादाजी का जो ज्ञान लिया है आपने, तो 5 आज्ञा में रहो और 5 आज्ञा आत्मदृष्टि से देखो, हुआ सो व्यवस्थित शक्ति यानी करा, हुआ सो न्याय, हुआ सो करेक्ट, तो राग द्वेष भी नहीं होंगे, अभिप्राय भी नहीं होंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय यानी कि ओपिनियन के बारे में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम अभिप्राय कैसे बांध लेते हैं? क्या उसमें हमारे राग द्वेष काम करते हैं या फिर हमारे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। दीपक भाई, नोंद पकड़ और अभिप्राय में क्या फर्क? पकड़ यानी तो आग्रह है कि मैं मेरी बात सच्ची, अभिप्राय यानी सामने वाले ने जो व्यवहार किया उसमें मानते ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये सच्चा आदमी, ऐसे अभिप्राय दे देते उसका व्यवहार के अधीन। और नोंद तो किसी ने हर्ट किया, तेरे में अक्कल नहीं तो बैठ जा, तो ये अपमान इतना लगता है कि 15 साल के बाद भी भुला नहीं जाता कि इस आदमी ने मेरा अपमान किया था सबके बीच में, मुझे याद है, मैं देख लूंगी, तो वैर बांध लेते हैं। तो नोंद तो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली चीज है। नोंद करने का मन नहीं होता है पर अगर हो जाए तो पकड़ लेती है, निकालें कैसे? प्रतिक्रमण करो और शुद्धात्मा 5 आज्ञा दे के प्रतिक्रमण करते रहो, और जो भुगतता है उसकी गलती, हमें दुख हुआ तो हमारी गलती, सामने वाले का दोष नहीं है, और हमारा अपमान का कर्म था तो सामने वाला निमित्त होके अपमान कर निमित्त बना है, उनका दोष ही नहीं, मेरे मुझे मान की भूख थी इसके लिए मुझे अपमान का दुख लगता है। खुद के दोष देखेंगे तो ही नोंद टूटेगी, पर बहुत बुद्धि और अहंकार इतने पावरफुल तगड़े हैं कि गुनहगार सामने वाले को देखते हैं, खुद के दोष समझ में ही नहीं आएगा कि मेरी ये नोंद हुई है, और दुखी दुखी होते हैं, और जितना दुख बढ़ता है सामने वाले के ऊपर गोलीबार चालू ही रहते हैं, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसने मुझे अपमान किया, सबके बीच में मेरी बदनामी की, दिन रात नोंद से दुखी होता है और नया कर्म बांध के वैर बांध लेता है। ज्ञान से ही हम छूट सकेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय के बारे में। दोस्तों हम जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे मन में अच्छे या बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव भाव उठते ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय की वजह क्या है, और क्या अभिप्राय को हम चेंज कर सकते हैं? उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। तीसरा मेरा प्रश्न था कि जैसे मैं जिस काम को करता हूँ, काम करने के दौरान कुछ काम इस तरह का है, बहुत सारे लोग हैं और वो जब उनको कड़े शब्दों से कहा जाता है काम बड़ी आसानी से कर जाते, लेकिन अगर प्यार से कहा जाता है तो आपस में ही बल्कि लड़ जाते हैं या तो काम गाड़ देते हैं, और उस काम के बिगड़ने से फिर मेरे ऊपर जो है कि फिर नजर आती है कि आपने काम ठीक से नहीं करा, तो क्या मुझे कड़े शब्दों से काम करा लेने में भलाई है या फिर क्या करना चाहिए? वो ड्रामेटिक कड़े शब्द बोलो जी, आप श्याम नारायण को जरा ड्रामेटिक बोलो, सबको डांटो बराबर, ये ज्ञान में रहता है, इससे जुदापन रखो। और दूसरा प्रतिक्रमण करो कि आपको फोकट का डांटा, धीरे से आप 100% कड़े शब्द बोलते हैं तो थोड़ा 90% करके देखो,
80% करके देखो, 20% थोड़ा प्यार से काम लो, बाद में करके देखता हूँ, जिनको डांटा हूँ उनको बुला के समझा भी देता हूँ, हाँ, तो बस मान जाते हैं कि नहीं आपने सही किया वहाँ पर। यानी धीरे धीरे आपका अभिप्राय बदलो कि डांट के काम करवाना वो सच्चा रास्ता नहीं है, प्यार से काम करवाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। डांटने से आप जितनी बार डांटोगे उतनी बार अच्छा काम करेगा, अब डांटना बंद कर दिया तो अच्छा काम करना भी बंद कर देंगे, यही होता है। और प्यार वाला कैसा है कि एक बार सिंसियरली समझा दिया, बाद में हमेशा के लिए आप वहां हो या न भी हो फिर भी वो काम चलते ही रहेगा। तो ये रास्ता धीरे धीरे आपको चेंज करना है, पहले भाव करो कि मुझे अभिप्राय बदलना है, किसी को डांट के काम करना अच्छा नहीं, प्यार से समझा के बाद में उनको काम सौंप देने का, वो लोग अपनी सिंसियरिटी से पूरा करें, ऐसा होना चाहिए। ऐसी भावना करो और किसी को डांटा उसके प्रतिक्रमण करो और आपका अभिप्राय बदली रखो। धीरे धीरे साल दो साल जाएंगे तो डांटना कम करते जाओ, प्यार बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे अनुभव होएगा आपको कि प्यार से काम करने वाला काम वो लंबा समय तक अच्छी तरह चलते रहता है, किसी को कुछ बोलने बिना भी अच्छी तरह सब लोग करेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की। तो दोस्तों, कभी ये सोचा है कि जीवन व्यवहार में हम सभी से मिलते हैं, तो हर एक व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अलग अलग सा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या हमारे पूर्वग्रह काम करते हैं या फिर अभिप्राय? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। और एक प्रश्न है, मुझे किचन में मतलब बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं पसंद आता है, और पहले माइंड एक्टिव हो जाता है कि अभी यहाँ पर एंट्री हुई है, फाइल नंबर दो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस होगी, तो इसको कैसे खत्म करें? आपने ज्ञान लिया है? नहीं। तो ये ज्ञान लेने के बाद आपको जल्दी से ज्ञान में रहने की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे में दखल करता है। हाँ। सचमुच तो एक एविडेंस है, जैसे कितने बर्तन पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा है, ये भी एक एविडेंस है। एविडेंस का हम संभाव रखना चाहिए, हम द्वेष करते हैं, अभाव करते हैं, तो हमारा राग द्वेष हमें दखल करता है। दुख देने वाले बाहर की कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा राग द्वेष हमें दुख देता है। हमारा अभिप्राय है कि हमें दखल करेगा, हमें तकलीफ करेगा, हमें मजा नहीं आती कोई हाजिर होगा तो, वो हमारा ओपिनियन हमें दुख देता है, व्यक्ति दुख नहीं देती। हमारा ओपिनियन निकाल देना चाहिए कि भाई कितने भी आदमी होंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं, और हमारे में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वो तो हमें कोई आदमी हमारी गलती दिखाए तो हमें अच्छा लगना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आगे एडवांस होना है, कोई गलती बताएगा तो हम हमारी गलती सुधारेंगे तो हम एडवांस होंगे, तो उपकारी मानना चाहिए गलती बताने वाले को। हम लोग हमारी बुद्धि क्या बताए, हमारी गलती बताते हैं, उसको निकाल दो गेट आउट, हमारी गलती रहेगी और व्यक्ति के साथ हम भेद गिरा दे। सचमुच तो व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए, बाद में हमारी गलती पॉसिबल है उतनी सुधारेंगे, तब गलतियों से कम होते जाएंगे, गलतियों से मुक्त होते जाएंगे, वो हमारी प्रगति है। तो उपकार मानना चाहिए निमित्त की, जो दखल करने वाले हैं उसको भीतर में उपकार मानो और सॉल्यूशन निकालो। तो हमारा नेगेटिव अभिप्राय है कि हमें तकलीफ करता है, हमें इसके साथ व्यवहार पसंद है, अभाव लगता है, तिरस्कार होता है, भेद हमारी बुद्धि की वजह से भेद हो जाता है, और वही भेद से हम ज्ञान से भी भेद में रहेंगे, हमारे आत्मा से ही हम विमुख होते जाएंगे। इसका उपाय है प्रतिगमन करो और नेगेटिव अभिप्राय निकाल दो, और अनुभव लो कि भाई इसने वो घर किचन में आया मगर कोई तकलीफ नहीं हुई, एडजस्टमेंट हमने ले लिया तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, एडजस्ट एवरीवेयर हो जाओ। समझ में आता है आपको? जय सचिन, जय सचिन। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि अभिप्राय अहंकार से बनता है, और बुद्धि ने जहां पर सुख माना वहीं पर राग द्वेष होता है और अभिप्राय बनता है, वही तो संसार बंधन का कारण है। और इसी बंधन से छूटने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। We'll be right back.